हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 14 है मेंसुरेशन, यहाँ इसका जो बहुत ही मजेदार एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो बहुत दिन बाद मैं फिर से एक कंसेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है हर बच्चे नहीं देखेगा। जिन लोगों को सच में कंसेप्ट चाहिए, पॉलीहेड्रन क्या होता है, प्रिज्म एंड पिरामिड में क्या अंतर है, और फेस वर्टेक्स एजेस क्या है, ये सब मैं आज डिस्कस करूंगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब क्लास में हम लोग वर्कशीट जो 8 है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशन लिखा है और कुछ फिगर ड्रॉ करके रखा है, तो उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है फेस। फेस क्या है? इज ए प्लेन सरफेस ऑफ द सॉलिड। तो एक सॉलिड जो सेफ है, 3D सेफ, डेफिनेटली ये 3D सेफ होता है। तो 3D सेफ का जो प्लेन सरफेस होता है, मतलब यहां पे देखो ये जो ट्राइंगुलर पार्ट है, चार ट्राइंगुलर पार्ट है, वो है फेस। सोचो अगर मैं ये क्यूब चूज करूं, तो ये है एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस, तो 6 फेसेस है यहां पे। उसी तरह ये क्या है, क्यूबॉइड, इसका भी ये फेस है, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ये फ्लैट है, फ्लैट, ठीक है ना, ये भी फ्लैट है, तो उसको बोलते हैं फेस। समझ में आ गया? तो यहां पे फेस क्या होगा, ये जो ट्राइंगल बना है पीछे, जो एक ट्राइंगल बना है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे, तो ये सब क्या होगा, फेस। तो कोई भी इसको भी ले लो, ओके। अब एज, एज मतलब क्या, धार बोलते हैं एज। तो देखो यहाँ पे एक प्लेन और एक प्लेन, दोनों प्लेन जहां पे मीट हो रहा है वहां पे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, ये वाला एक लाइन सेगमेंट है, ये कॉर्नर को देखो, है ना, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। तो दो प्लेन मीट होता है तो वहां पे एक लाइन बनता है, ठीक है। तो दो प्लेन का जहां मीटिंग पॉइंट, वो एक लाइन सेगमेंट होगा, उसको कहेंगे एज, ठीक है। तो यहां पे कौन एज होगा, जहां जहां मैंने लाइन ड्रॉ किया है वही सब एज होगा। तो चलो यहां पे मैं इसको एज मान लेता हूं, ये वाला, और यहां पे ये भी एक एज है, वही बोला गया, लाइन एज इज ए लाइन सेगमेंट एट विच टू फेसेस ऑफ द सॉलिड मीट। दो फेस का जो सॉलिड जहां पे मीट होता है, लाइक ये एक क्या है, ये एक पिरामिड है, क्योंकि यहां पे एक वर्टेक्स है, मैं बताऊंगा वो क्या है, कैसे याद रखोगे। तो यहां पे देखो एक ट्राइंगल और साइड में और एक ट्राइंगल, दोनों इसमें मीट हो रहा है ना, इस जगह पे, मतलब ये मीटिंग पॉइंट है डेफिनेटली, ये जो मैंने रेड में मार्क किया है, ठीक है। तो ये रेड वाला क्या होगा, फेस होगा, एज होगा, गॉट इट। चलो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये वाला एज होगा, ये एज होगा, ये एज, सभी एज होगा। वर्टेक्स इज ए पॉइंट एट विच एजेस मीट, मतलब पहले देखो फेस है, जो प्लेन सरफेस होता है वो उसको फेस बोलते हैं, वो दो प्लेन सरफेस जहां पे मीट होगा वो है एज। अभी एज जहां पे मीट होता है, मतलब दो लाइन सेगमेंट जहां पे मीट होता है वहां पे एक पॉइंट मिलता है ना, और वर्टेक्स हमेशा क्या होता है, पॉइंट होता है। चलो यहां पे ये काम नहीं कर रहा है, ये क्या होता है, हमेशा पॉइंट, वर्टेक्स। एज जो होता है वहां पे लाइन सेगमेंट होता है, ओके, और ये तो प्लेन होता है, ये प्लेन, फेस जो है प्लेन। तो दो प्लेन आके जहां पे मिलता है, मतलब प्लेन सरफेस जो होता है उसको सॉलिड, जो सॉलिड का उस, वो फेस होता है। लाइन सेगमेंट जहां पे मीट होता है वो होता है एज, एंड वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे दो पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीट, जो लाइन का है पॉइंट एट विच एजेस मीट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हो, वो है वर्टेक्स। यहां तक समझ में आ गया? चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉलीहेड्रन। अभी कोई भी एक 3D फिगर जिसका फेस पॉलीगन होगा उसको कहेंगे पॉलीहेड्रन। पॉलीगन मतलब थ्री साइडेड फिगर हो सकता है, थ्री साइडेड फिगर हो सकता है, फोर साइडेड फिगर हो सकता है, फाइव साइडेड, पेंटागन होता है, हम लोग 7 में पढ़े। यहां पे एक पॉलीगन है, ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगन, फोर साइडेड फिगर, 1, 2, 3, 4, ओके। लाइक पिरामिड में तुम जो चार सरफेस मिलेगा, स्क्वायर वाला पिरामिड जो होता है वहां पे ऊपर वाला, मतलब ये है ये, तो ये क्या है, थ्री साइडेड फिगर, ये भी एक पॉलीगन है। तो कोई भी 3D फिगर का अगर फेस पॉलीगन होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रन, क्योंकि पॉलीगन 2D में होता है, याद रखना 2D शेप में क्या होता है, पॉलीगन, और 3D शेप में
बहुत दो तीन अलग अलग पॉलीगॉन को लेके तुम जो 3D फिगर बना रहे हो जाता है पॉलीहेड्रन, गॉट इट। तो 2D फिगर वाला है पॉलीगॉन, उसी पॉलीगॉन बहुत सारे पॉलीगॉन को लेके अब तुम अगर 3D फिगर बनाओगे तो वो हो जाएगा पॉलीहेड्रन, गॉट इट। अभी पॉलीहेड्रन का दो भाग होता है, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। ओके, तो प्रिज्म क्या है, अभी पिरामिड क्या है, देखो पहले प्रिज्म को देखते हैं, समझ में आ गया ना। तो पॉलीहेड्रन दो तरह का होता है, प्रिज्म हो सकता है और पिरामिड हो सकता है। अभी प्रिज्म क्या है, प्रिज्म, अच्छा उसके पहले जो पॉलीहेड्रन है, हम लोग पॉलीगन पढ़े थे याद है ना। पॉलीगन का क्या होता है, कोई भी एक फिगर जिसका सभी एंगल एंड सभी साइड इक्वल होता है तो उसको क्या होता है बोलते हैं, वो उसको कहा जाता है कि पॉलीगन। अभी वो पॉलीगन को लेके, मतलब रेगुलर पॉलीगन, तो वो रेगुलर पॉलीगन को लेके जो शेप बनेगा वो है रेगुलर पॉलीहेड्रन। ओके, तो लाइक एक जो हम लोग का है क्यूब, वो स्क्वायर को लेके बनता है। स्क्वायर क्या है, एक पॉलीगन है, क्योंकि चारों साइड इक्वल, चारों एंगल भी इक्वल। तो अभी स्क्वायर को लेके अगर तुम एक 3D फिगर बनाओगे तो ये बन जाएगा क्यूब, है ना, क्यूब बन जाएगा। तो अभी क्यूब जो है वो है रेगुलर पॉलीहेड्रन। ओके, याद रखना। तो पॉलीगन जो रेगुलर पॉलीगन को लेके जो 3D फिगर बन रहा है, पॉलीगन तो 2D फिगर होता है, उसी का 3D फिगर होता है पॉलीहेड्रन, ठीक है ना। अभी ये रेगुलर बन गया पॉलीगन, तो सभी सभी होना चाहिए, एक नहीं सब होना चाहिए, सब फेस। अगर ये पॉलीगन हो गया तो, मतलब ये रेगुलर पॉलीगन हो गया तो ये भी रेगुलर पॉलीहेड्रन होगा। लेकिन याद रखना सभी फेस को होना चाहिए, कोई भी एक, लाइक मेरा जो ये वाला बॉक्स है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला स्क्वायर शेप है, लेकिन ये तो नहीं है, तो कोई एक दो होगा ऐसा नहीं, सभी सेफ होना चाहिए, तभी वो हो जाएगा रेगुलर पॉलीहेड्रन। तो चलो प्रिज्म एंड पिरामिड का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखो मैंने बोला था कि प्रिज्म एंड पिरामिड का जो डेफिनेशन क्या है, देखो प्रिज्म पहले पढ़ो। प्रिज्म्स आर पॉलीहेड्रन्स, दोनों ही पॉलीहेड्रन है, तुम्हें पता है दिस बोथ आर पॉलीहेड्रन्स, हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ऑपोजिट साइड जो होगा बेस एंड टॉप, लाइक ये इसका बेस क्या है, एक जैसा रेक्टेंगुलर है वैसा ही यहां पे रेक्टेंगुलर है, मतलब बेस एंड टॉप जो है वो एकदम कॉन्ग्रुएंट, सेम टू सेम है, तो वैसा होगा तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन बनेगा, ठीक है ना। एंड हुज अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, मतलब अगर सोचो ये एक प्रिज्म है, क्यों, क्योंकि इसका बेस और टॉप जो है वो एकदम क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, और मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही सेम टू सेम है। एंड अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, मतलब ये पैरेललोग्राम, ये भी एक रेक्टेंगल है अगेन, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल मीन्स काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हो, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से ही सभी जो ये है पार्ट होता है, डिफरेंस मतलब भाग होता है इसका। पैरेललोग्राम को अगर एंगल को 90 डिग्री कर दोगे तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसी का चीज है, तो मतलब ये एक प्रिज्म है। सिमिलरली ये भी एक प्रिज्म है, स्क्वायर इज प्रिज्म, देखो मैंने लिख के भी रखा है, क्यों, क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और स्क्वायर मतलब पैरेललोग्राम है, तो डेफिनेटली इट इज अ प्रिज्म। अभी जो है हम लोग कुछ फिगर को देखेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो पैरेललोग्राम के मतलब स्क्वायर प्रिज्म तो तुम्हें समझ में आ गया, अभी ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब देखो इसका ये बेस और ये बेस, अगर सोचो कि ऑपोजिट बेस है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों ऑपोजिट है, तो वो दोनों ट्रायंगल है एंड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। बाकी देखो ये है पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट फेस, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा। अभी पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड में बस एक ही अंतर है, पिरामिड मतलब ऊपर में एक एकदम सब जाके एक जगह पे मीट होगा, बेस कोई भी हो, बेस हेक्सागन हो सकता है, बेस स्क्वायर हो सकता है, बेस ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉप में जाके सब एक ही जगह पे मिलेगा। तुम अगर भूल जाओगे तो पिरामिड तो पता है कैसा दिखता है, तो बस वो याद रखो कि उन सबका क्या होता है, एक टॉप होता है, एक एकदम कॉमन पॉइंट, सब आके सब फिगर का एक एक वर्टेक्स कॉमन हो जाता है, जो लेटरल सरफेस का जो वर्टेक्स होता है वो सभी आके एक जगह पे मीट होता है ना, इसलिए वो ट्रायंगुलर, साइड का जो फिगर होता है, बेस कुछ भी हो, साइड का जो फिगर होता है वो ट्रायंगुलर हो जाता है। मैं पढ़ता हूँ, देखो
पिरामिड्स आर पॉलीहेड्रन, ये भी एक पॉलीहेड्रन है डेफिनेटली, हुज बेस इज ए पॉलीगन, बेस पॉलीगन होगा कोई भी, मतलब ऑफ एनी साइड्स, मतलब स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सॉरी ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी, एंड हुज लैटरल फेसेस आर ट्रायंगल्स विथ ए कॉमन वर्टेक्स। देखो ये जो सभी लैटरल मतलब पास वाला जो सरफेस है, बेस तो ये नीचे है स्क्वायर, ये एक स्क्वायर पिरामिड है, ओके क्यों, क्योंकि ऊपर में जाके एक ही जगह में मीट हो रहा है, ये याद रखो, प्रिज्म एंड स्क्वायर में यही अंतर है, प्रिज्म एंड पिरामिड में यही अंतर है, यहां पे ऊपर में आके एक ही पॉइंट में मीट होगा, और प्रिज्म में क्या है ऑपोजिट जो मतलब टॉप एंड बॉटम जो है वो एकदम सेम टू सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, और साइड वाला सभी पैरेललोग्राम होता है। तो बस ये था, और यहाँ पे बाकी हाँ यूलर्स फॉर्मूला को हम आज डिस्कस कर दूंगा, तो बाकी ये वर्कशीट 8 हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट दिन शाम कर लेंगे। अभी यूलर्स फॉर्मूला को जब डिस्कस करूंगा ना, वहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा कैसे तुम फॉर्मूला को याद रख पाओगे। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला, तो एक बार कॉमेंट करके बताओ, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो कॉमेंट करो, फिर मैं यूलर्स फॉर्मूला को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स सी, देखो ऑयलर्स फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैंने इसको क्यों नहीं रब किया, ये तीनों ही काम आएगा, क्या क्या, फेस, एफ फॉर फेस, ई फॉर एज एंड वी फॉर वर्टिक्स, इन तीनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन कोई भी पॉलीहेड्रन में काम करेगा, मतलब पहले चलो इन्होंने जो ऑयलर मैथमेटिशियन है उनके बारे में कुछ जानते हैं, दो एक लाइन ही बोलूंगा, ये एक जो इसका पूरा नेम है वो है लियोनार्ड ऑयलर, ओके ये तुम्हारी बुक में नहीं है, लियोनार्ड ऑयलर, और ये मैक्सिकन मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने ये फॉर्मूला को डेवलप किया था, मतलब इन्वेंट किया था। तो कैसे, उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलीहेड्रन हो तो उनका ये लॉ वो अप्लाई करे, मतलब अगर करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, कोई भी पॉलीहेड्रन में इनका फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या है, बुक में जो दिया गया है यहाँ पे तुम्हारे जो पेज नंबर 225 है ना, वहाँ पे कुछ सॉलिड दिया गया कि क्यूबॉइड, चलो क्यूबॉइड के बारे में देखते हो पहले। अभी क्यूबॉइड में क्या होता है, फेस कितना होता है, सिक्स फेस, एजेस कितना होता है 12, और वर्टेक्स कितना होता है 8, है ना, अगर भूल चुके हो तो एक बार देख लो। फेस 6 है, 1 2 3 4 5 6, एज मतलब ये वाला धार 1 2 3 4, ऑपोजिट में 4, 8 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना होता है 12 एजेस, एंड वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा। तो अभी तुम एक चीज नोटिस करो कि यहां पे अगर हम इन दोनों को ऐड करें, एफ प्लस वी करें तो कितना मिलेगा बोलो, यहां पे मिलेगा 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14। अब ई के साथ 2 को ऐड करें, मतलब 2 प्लस ई, सोचो सेम चीज है, तो क्या होगा 2 प्लस 12 14 आ रहा है ना, तो तुम्हारी बुक में ये दिया गया है कि एफ प्लस भी इक्वल्स टू 2 प्लस ई, फिर अल्टीमेटली एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल्स टू 2, हमेशा फेस एंड जो वर्टिसेस है उनको ऐड करो और उसके एजेस के साथ माइनस करो, तो हमेशा 2 ही आता है, और ये कोई भी पॉलीहेड्रन के लिए अप्लाई होता है, कोई भी पॉलीहेड्रन हो, यही फार्मूला ऑयलर्स ने दिया था, ठीक है। चलो अभी वो फंडा क्या है कि इसको याद रखने में दिक्कत होता है, मैं जब छोटा था तो मुझे भी ये दिक्कत होता था, तो मैंने एक ट्रिक मतलब अप्लाई किया था, तो उसके बाद से मैं कभी भूलता नहीं हूँ ये फॉर्मूला। देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको छोड़ो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखने की कोशिश करोगे तो फिर से भूल जाओगे, क्या करोगे, इसको तुम ऐसे लिखो, ये वाला पार्ट को रिवर्स करके लिखो, रिवर्स करके, तो कैसा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस ई इक्वल्स टू एफ प्लस वी। अब न्यूमेरिकल एंड इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज देखो, ए बी सी डी न्यूमेरिकल है सभी, तो ये तीनों ही न्यूमेरिकल ये तीनों ही अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, और ये है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल पहले आएगा, सोचो, तो 2 उसके बाद अल्फाबेटिकली अरेंज करो,
इन तीनों में कौन पहले आता है? ई आता है, तो 2+ E, फिर इक्वल्स टू एफ, उसके बाद वी आता है। तो बस अल्फा न्यूमेरिकल है, फर्स्ट है न्यूमेरिकल, देन ये है फर्स्ट अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट ई ए, देन ये है उसके बाद का सेकेंड नेक्स्ट अल्फाबेट ई ए इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ ये थर्ड इंग्लिश अल्फाबेट, थर्ड मतलब थर्ड नंबर नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट में, ए बी सी, थर्ड तो सी है। मतलब इन तीनों में कौन पहले आता है? ई आता है, फिर एफ आता है, फिर वी आता है। तो इसको ऐसे याद रखो, 2+ E = F+V, समझ में आया ना? ई एफ तुम्हारे पास क्या है? ई है, एफ है एंड वी है, तो इन तीनों में कौन पहले आता है? ई आता है, तो 2+ E आप 2 सोचो, न्यूमेरिकल पहले, न्यूमेरिकल एक ही है तो उसको पहले ले दो, और नहीं तो कोई भी नंबर तुम एल्जेब्रिक में लिखते हो तो क्या लिखते हो? 2x ऐसे लिखते हो ना, तो 2 हमेशा पहले आता है, न्यूमेरिकल हमेशा, मतलब x 2 लिखते हैं हम लोग, नहीं लिखते ना, हमेशा क्या होता है न्यूमेरिकल को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है 2 है, इसलिए पहले लिखा है। आप इन तीनों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, तो ई इक्वल्स टू एफ प्लस बी, इसको याद रखना, बस बन गया। इस ट्रिक को याद रखोगे तो कोई भी फॉर्मूला तुम कर पाओगे। तो मैं एक कर देता हूं यहाँ पे, तुम्हारा क्यूबॉइड एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला गया था, पिरामिड विथ ए स्क्वायर बेस, पिरामिड विथ ए स्क्वायर बेस, मतलब कोई भी एक स्क्वायर बेस आएगा वहां पे पिरामिड आएगा, ऐसे ऐसे, तो स्क्वायर बेस पिरामिड मतलब वर्टेक्स, मैंने कहा था ना कि वर्टेक्स एक ही होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ यहां पे ये फॉर्मूला, ऑयलर्स फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको रब कर देता हूं। क्या करना है? 2+ E, याद है ना मैंने कहा था 2+ E, और इस साइड में ई एफ के बाद वी आता है, तो एफ प्लस वी, तो दोनों को इक्वल हो रहा है दोनों, हाँ या ना देखो। तो स्क्वायर पिरामिड का एजेस क्या है? 2+, अब एज क्या है? एज मतलब धार, कितना साइड है? नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, दैट मीन्स 10 आ गया। अब यहां पे देखो फेस क्या है, नीचे एक फेस है स्क्वायर वाला और ऊपर में चार ट्रायंगल है, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, यहाँ पे 5 लिखो। अब वर्टिसेस कितना है? 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन 5, मतलब 5, तो 5+5, 10, और यहाँ पे भी 10 आ रहा है ना, मतलब या सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि या ये जो है पिरामिड विद स्क्वायर बेस, दैट इज ऑल्सो पॉलीहेड्रन, गॉट इट, समझ में आ गया ये। तो चलो बाकी दो भी कर देते, प्रिज्म विद स्क्वायर बेस, प्रिज्म विथ ए स्क्वायर बेस, प्रिज्म विथ ए स्क्वायर बेस मीनिंग क्या है? एक्चुअली में ये क्यूब है ना, क्योंकि कोई भी एक प्रिज्म जिसका बेस है स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है? एक्चुअली में ये क्यूबॉइड क्यूब होगा, एक्चुअली में ये क्यूब होगा, ठीक है ना, क्यूबॉइड भी हो सकता है इस तरफ, देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो क्यूबॉइड भी हो सकता है। तो एक क्यूब का जो मतलब क्यूबॉइड का जो होगा वही होगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड का ये सभी सेम होता है, ये 6 होता है, एज मैंने लिख के रखा था पहले, तो वो सेम ही है, मतलब वो बुक में किया गया है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्यूब का सेम होता है, कर लेना तुम लोग। अच्छा अब ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड टेट्राहेड्रन, अच्छा ये मैंने नहीं कहा था, एक टेट्राहेड्रन क्या किसको कहते पता है? ट्रायंगुलर पिरामिड को कहते हैं, क्यों? उसका सभी है 3 साइड वाला, बेस भी ट्रायंगल है और चारों तरफ जो पिरामिड, मतलब तो साइड लैटरल सरफेस तो ट्रायंगुलर ही होगा और वो एक साइड पॉइंट में मीट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन आल्सो। ओके अभी इसका देखो, चलो मैं रब कर देता हूँ, लास्ट वाला मैं कर रहा हूँ ट्रायंगुलर पिरामिड का। तो देखो नीचे ये क्या है? एज है, तो नीचे 3 ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल मतलब 3 साइड, ये 4, 5, 6, यहाँ पे 2+6 That is 8। अब यहाँ पे आ जाओ, ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पे देखो नीचे 3 एक फेस है नीचे और यहाँ पे 3 मतलब 4 फेसेस, एंड वर्टिसेस कितना है? नीचे 3 और ऊपर एक, ऊपर में एक 4, तो दैट मीन्स 8 आ गया, सेम, गॉट इट। तो मैंने कर दिया है, अभी तुम लोग ये फॉर्मूला का जो वर्कशीट 8 है वो हम स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट डे, उसको एक ही दिन में कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी तक नहीं कर रहे हो तो लाइक बनता है, कमेंट करो मेरा ट्रिक कैसा लगा, ये वाला न्यूमेरिकल फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऐसे लिखो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलो आज के लिए गुड बाय।